हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सभी ने आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी। फिर भी अगर किसी ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी हुई है तो आप ibps.in पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आप उस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लो एक और, गो थ्रू हो जाओ ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, आपका हर एक पॉइंट वहां पे क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो कि कौन सी स्टेट में कौन सा बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। सो आप एक बार चेक कर लेना। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब इसमें जो एज काउंट होगी वो आपकी 1 जून 2023 के हिसाब से काउंट होगी। और इसमें ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए एज है 18 और 28 के बीच में, और स्केल वन वालों के लिए है 18 से अबव और 30 से कम। तो इस तरीके से स्केल टू स्केल थ्री के लिए भी एज क्राइटेरिया दिया गया है। और इसके साथ ही एक और चीज क्लियर कर दूं कि आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्या सिर्फ आरआरबी क्लर्क फॉर्म फिल किया तो पीओ कर सकते हैं, या फिर पीओ का फॉर्म फिल किया तो आरआरबी क्लर्क का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगर कोई ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, मीन स्केल वन के लिए कर रहा है, तो वो स्केल टू स्केल थ्री के लिए नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही स्केल टू स्केल थ्री ऐसे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो वो है स्केल वन और इसके साथ ही ऑफिस असिस्टेंट। बाकी एज रिलैक्सेशन का भी दिया गया है, आप प्रॉपरली जिनकी एज कंप्लीट हो गई है उस हिसाब से आप पूरी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो क्राइटेरिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने चाहे क्लर्क का फॉर्म फिल करना हो, मींस ऑफिस असिस्टेंट का, चाहे आपने पीओ का फॉर्म फिल करना हो, आपको इसके लिए बैचलर डिग्री मैंडेटरी है, मींस आप ग्रेजुएट हुए होने चाहिए। विदाउट ग्रेजुएशन, मान लो कोई सेकंड ईयर में है, या फिर अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है, या फिर फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए, आप ट्रायल बेस पे तो दे सकते हैं, बट एक्चुअल बेस पे आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है 21 जून तक, या फिर 21 जून से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए। मान लो आज आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो, अगर आप 20 को भी ग्रेजुएट हो रहे हो, आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, 21 को भी ग्रेजुएट हो रहे हो, तब भी ठीक है, क्योंकि फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 जून है। तो उस हिसाब से आप 21 जून तक ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही ए बी करके पॉइंट लिखे हुए हैं। ए पॉइंट में प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, और बी पॉइंट में लिखा है डेजिरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्टली तो बात करें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मींस एलपीटी के बारे में बोला गया है। अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां की लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई है 8th स्टैंडर्ड, या फिर 8th स्टैंडर्ड से अबव किसी भी स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अप्रूव्ड हो सर्टिफिकेट, उसमें आपका लिखा हुआ है कि हाँ आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपका मेनली वो सब्जेक्ट देखा जाएगा। अब मान लो आप किसी ऐसी स्टेट में जा रहे हो जहां पे हिंदी बोली जाती है, तो आपका 8th स्टैंडर्ड या फिर उससे अबव कोई भी स्टैंडर्ड है जो बोर्ड से अप्रूव्ड है, जैसे 10th क्लास हो गई, तो उसमें आपने अगर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो वहां पे मेनली आपका हिंदी सब्जेक्ट ही देखा जाएगा। तो उसके बाद आपका किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट नहीं होगा। बट अगर आप ऐसी स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ की लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ी हुई है, तो आपका एलपीटी होता है 3 मोड में, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो उस हिसाब से आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अभी के अभी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, अभी आप फॉर्म फिल करो, एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद आप उस लैंग्वेज को सीख लो। प्लस आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने के लिए टाइम भी दिया जाता है। मान लो कोई इशू है, आपको नहीं बोलनी आ रही है लैंग्वेज, नहीं पता लग रहा है, तो आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने का भी टाइम दिया जाएगा। तो एक और चीज, एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करोगे आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी अदर स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो कोई पंजाब का कैंडिडेट है, उसने हिमाचल में फॉर्म फिल करा हुआ है, तो वो इसके बाद पंजाब नहीं जा पाएगा, उसकी जितनी भी सर्विस होगी आरआरबी में वो उसको हिमाचल में ही पूरी करनी पड़ेगी, आपको अदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं मिलेगी। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, सभी में आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर मिलती है, बट आपको आरआरबी में जो स्टेट आप अपने फॉर्म में फिल करोगे आपको वही स्टेट मिलेगी। अगर तो आप कोई दूसरा एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्रैक कर लेते हो तो डेफिनेटली आप वो ज्वाइन कर सकते हो, तब आपको पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बट आरआरबी में ऐसा है, आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे अगर आप उसी में ही पूरी सर्विस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको पूरी सर्विस उसी स्टेट में रहकर कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक और चीज, अगर आप सोचो कि सेंटर हम किसी और स्टेट का भर देंगे, एग्जाम हम अपनी ही स्टेट में देंगे,
तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सेंटर के लिए हिमाचल प्रदेश चूज करा हुआ है, मेंस का हिमाचल प्रदेश से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको यहीं पे आगे प्री देना पड़ेगा, यहीं पे मेंस, यहीं पे इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर एक चीज यहीं पे होगी। सिर्फ इसी स्टेट की बात नहीं है, आप चाहे कोई अदर स्टेट में ही फिल कर रहे हो तो आपको उसी स्टेट में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। अदर एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि आप सेंटर कहीं का भर सकते हो, एग्जाम अपनी ही स्टेट में दे सकते हो, बट आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। तो आप उस हिसाब से देख लेना, सोच समझ के फॉर्म फिल करना। जो मेनली ट्रांसफर का डाउट होता है कि शायद हम बाद में ट्रांसफर करवा सकते हैं अपनी स्टेट में, 3 साल बाद 5 साल बाद तो अपनी स्टेट में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आरआरबी में आप अदर स्टेट में नहीं जा सकते हो, आपको उसी स्टेट में घुमाया जाता है, ट्रांसफर दी जाती है, आप आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकते हो। तो इसलिए आप सोच समझ के ही फॉर्म फिल करना। और नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। इसमें डेजिरेबल लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की तो भी ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है, किसी भी तरीके का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ नहीं है आपके पास कंप्यूटर का, तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ आपके पास कंपलसरी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न की। आपको प्री में रीजनिंग और क्वांट दो सेक्शन मिलेंगे, चाहे आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो। क्लर्क में भी दो सेक्शन आएंगे, रीजनिंग क्वांट, पीओ में भी रीजनिंग क्वांट, दोनों 40-40 मार्क्स के आएंगे। 80 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। कंपोजिट टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टाइम होगा, आपको 20-22 मिनट में ये सेक्शन करना है, बाकी में बचा हुआ ये सेक्शन करना है। वो आप अपनी मर्जी से कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पहले रीजनिंग करनी है या फिर क्वांट करनी है। आपको पूरे 45 मिनट्स मिलते हैं दोनों सेक्शन के लिए, आपकी मर्जी है जिस भी सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ये तो हो गई प्री की बात, अब बात करते हैं मेंस। मेंस में आपके 3 सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, रीजनिंग क्वांट तो पहले ही था, इसके साथ ही कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस प्लस हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन मिलती है, आप अगर हिंदी लैंग्वेज चूज करना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो वो आपको सब्जेक्ट इंग्लिश में देखने को मिलेगा 40 के 40 क्वेश्चन। बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 1.25, तो उस हिसाब से 40 क्वेश्चन बनते हैं 50 मार्क्स के। सेम एज इट क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन की वैल्यू है 1.25। इस तरीके से आपके हो गए 80 क्वेश्चंस और मार्क्स बन गए 100। सो थर्ड सेक्शन की बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, मींस एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी 1 मार्क्स। और इसके बाद बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। आप जो मर्जी सेक्शन चूज कर लो, आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी 1 मार्क्स, मींस 40 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर के आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के, मींस एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी हाफ मार्क्स। जब आप दो क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपका 1 मार्क्स बनेगा। इस तरीके से 40 क्वेश्चन होंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। सो टोटल आपके हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इसमें आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्शनली टाइम होता है, आपको सेक्शनली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल टाइम होगा, आधा घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 20 मिनट इस सब्जेक्ट को देना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, एंड में आप किसी भी सेक्शन पे स्विच कर सकते हो, रीजनिंग पे आ सकते हो, क्वांट पे आ सकते हो। एक और चीज क्लियर कर दूं कि जैसे प्रेफरेंस दी गई है, आपने पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर में डिग्री या फिर इस तरीके से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लो आपने उन फील्ड्स में ग्रेजुएशन नहीं करी हुई है, आपकी अदर फील्ड है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे ऐसा है कि जैसे सेम फील्ड वाले होंगे तो जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट इन सब चीजों को सोचना बेकार है, आपका मेन काम है आप अच्छा स्कोर लेकर आओ तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। प्रेफरेंस का चक्कर रखना ही नहीं है कि उससे ज्यादा उससे कम, आपको अपना 100% देना है, अच्छे से अटेम्प्टेशन करनी है। एक और कि जैसे कुछ स्टेट में वैकेंसीज नहीं है तो आप अगर अदर स्टेट में फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने एलपीटी के बारे में आपको क्लियर कर दिया है। और कुछ बैंक्स ने अभी भी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी हुई है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि जब वो रिपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैकेंसीज तो वो भी देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे क्लियर कर दूं, वैकेंसीज के बारे में मत सोचा करो, मेनली आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, ठीक है। आपका अपनी स्टेट में नहीं हो रहा है, आप अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो। दूसरी चीज, कट ऑफ के बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है कि हाँ मेनली आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर अच्छा हमारे स्टेट
कितनी कट ऑफ गई। बट ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो अगर लास्ट ईयर हमारे स्टेट की कट ऑफ 60 गई है तो 60 तक ही लेकर आने हैं। कोशिश करो कि आप अच्छा स्कोर करो, अपना 100% दो, जितनी कट ऑफ है उससे ज्यादा ही मार्क्स लेकर आओ। हो सकता है कि इस बार कट ऑफ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है कि कट ऑफ जितनी लास्ट ईयर रही है उससे कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं बोल सकते हो कि इतनी कट ऑफ लेकर आने पे ही आपका एग्जाम क्रैक होगा, तो उस हिसाब से आप अपना 100% दो। तो बार बार कट ऑफ पे फोकस नहीं करना है, वैकेंसीज पे फोकस नहीं करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन करो। आपको एक सीट के लिए मेहनत करनी है, फिर वहां पे 4 सीट हो चाहे 10 सीट हो, चाहे इन फ्यूचर वो सीट इंक्रीज होके 20 हो जाए 25 हो जाए, तो इन चीजों पे फोकस नहीं करना है, मेन आप प्रिपरेशन पे फोकस करो। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं सिविल स्कोर की, कि इस बार सिविल स्कोर का पॉइंट साथ में ऐड किया गया है कि स्टूडेंट्स को अपना सिविल स्कोर भी साथ में अपडेट करना है। फर्स्टली तो जिनका बैंक अकाउंट नहीं है तो उन्हें तो किसी भी तरीके का सिविल स्कोर शो करने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ ही जिन स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है बट उन्होंने कभी भी लोन वगैरह नहीं लिया हुआ है उनका भी सिविल स्कोर नहीं शो होगा। मींस उनका सिविल स्कोर या तो NA आएगा या फिर -1 आएगा। ऐसा नहीं है कि सभी के बैंक अकाउंट है तो उनका कोई ना कोई सिविल स्कोर आएगा, आपका सिविल स्कोर NA आ सकता है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सिविल स्कोर नहीं आ रहा है या फिर -1 आ सकता है। तो अगर आप सोचो कि वहां तो पॉजिटिव नंबर लिखा गया है 650 और हमारा -1 आ रहा है, तो इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आपने कभी भी लोन नहीं लिया हुआ है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने कभी लोन लिया है, चाहे व्हीकल लोन है, चाहे एजुकेशनल लोन है, या फिर जो क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं। अगर आपने टाइमली रिपेमेंट करी हुई है लोन की तो आपका सिविल स्कोर 650 से अब भी होगा। अगर आपने अपना लोन अकाउंट खराब किया हुआ है, टाइमली रिपेमेंट नहीं करी हुई थी, या कोई भी इशू था, तो उस हिसाब से आपका सिविल स्कोर कम होगा। सो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत उन्हीं को है जिन्होंने टाइमली रिपेमेंट नहीं करी हुई है लोन की। अगर किसी ने लोन लिया भी था और टाइमली हर मंथ अपनी इंस्टॉलमेंट पे करी थी तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आपका 650 से अब भी स्कोर आएगा, 650 से कम किसी का भी स्कोर आएगा तो वो फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो उस हिसाब से आप अपना सिविल स्कोर एक बार चेक कर लेना, आप ऑनलाइन गूगल पे चेक कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो मेन पॉइंट आपके साथ शेयर करे हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।